देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,088 नए मामले और 148 लोगों की मौत। इसी के साथ गांव में लौटे मजदूरों के खाते में आएंगे 6,000 रुपए। वही जनता को आरबीआई ने दी सौगात, 31 अगस्त तक लोन ईएमआई पर मिलेगी छूट। वही रेलवे का बड़ा फैसला, आज से खुलेंगे टिकट बुकिंग काउंटर। इन सभी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहे और साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जो भी हमारे भाई बहन इधर उधर फंसे हैं उन्हें भी पूरी जानकारी मिल सके और उनकी मदद हो सके। और साथ ही आपका कोई मैसेज हो तो आप भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ कर सके। चलिए शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। पहली बड़ी खबर आ रही है कोरोना वायरस का लाइव अपडेट लेकर। पिछले 24 घंटे में 6,088 नए मामले सामने आए और 148 लोगों की हुई है मौत। देश भर में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,18,447 हो चुकी है, जिसमें 66,330 सक्रिय मामले हैं और 48,534 लोग अब तक ठीक हो चुके हैं और 3,583 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है मजदूर भाइयों के लिए। गांव लौटे मजदूरों के खातों में आएंगे पीएम किसान स्कीम के 6,000 रुपए। जी हाँ दोस्तों, देश के करीब 10 करोड़ किसानों के लिए बड़ा सहारा बनी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम। इसका लाभ प्रवासी मजदूरों को भी मिलने वाला है, बशर्ते वे इसकी शर्तें अगर पूरी करते हैं तो। इसमें खास तौर पर रेवेन्यू रिकॉर्ड में नाम और बालिग होना काफी जरूरी है। अगर किसी का नाम खेती के कागजात में है तो उसके आधार पर वो अलग से इसका लाभ भी ले सकता है, भले ही वो संयुक्त परिवार का हिस्सा ही क्यों ना हो। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है आरबीआई की तरफ से। जनता को आरबीआई ने दी सौगात, रेपो रेट में कटौती से कम होगा ईएमआई का बोझ। जी हां दोस्तों, एक बड़ी खबर आ रही है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि कोरोना वायरस के वजह से अर्थव्यवस्था को काफी बड़ा नुकसान हुआ है और एमपीसी ने रेपो रेट में कटौती करने का फैसला किया है। शक्तिकांत दास ने कहा है कि रेपो रेट 4.4% से घटाकर 4% कर दिया गया है, जबकि रिवर्स रेपो रेट को 3.75% से घटाकर 3.35% कर दिया है। उन्होंने कहा है कि महंगाई दर अभी भी 4% के नीचे रहने की संभावना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से कई सामानों की कीमत बढ़ सकती है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, 31 अगस्त तक लोन ईएमआई पर मिल सकती है छूट। जी हाँ दोस्तों, लॉकडाउन बढ़ने के बाद से ही इस बात के कयास लग रहे थे कि आरबीआई लोन की ईएमआई भुगतान टालने के लिए मोरेटोरियम की सुविधा को बढ़ा सकता है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने उम्मीद के मुताबिक एक बार फिर इस सुविधा को 31 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया है। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है रेलवे का बड़ा फैसला, आज से खुलेंगे टिकट बुकिंग काउंटर और एजेंट भी कर पाएंगे टिकटों की बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, रेलवे ने टिकट बुकिंग काउंटर खोलने के लिए हरी झंडी दे दी है और इसी के साथ कॉमन सर्विस सेंटर और एजेंट को टिकट बुक करने की भी अनुमति दी है। रेल मंत्रालय ने एक आदेश जारी करके शुक्रवार से सभी जोनों के जीएम इनको बुकिंग काउंटर खोलने को कहा है और रेल मंत्रालय ने सभी जीएम को कहा है कि वो जरूरत के लिहाज से तय करे कि कहां पर कितने रिजर्वेशन काउंटर खोलने हैं। हालांकि रेलवे ने ये साफ किया है कि श्रमिक ट्रेनों के यात्रियों का कंट्रोल अभी भी संबंधित राज्यों के हाथ में ही रहेगा। इसी के साथ अगली बड़ी खबर आ रही है, अब मात्र 20 मिनट में होगी कोरोना वायरस की टेस्टिंग, लैब जाकर जांच कराने की नहीं होगी जरूरत। जी हां दोस्तों, कोरोना महामारी ने पूरे विश्व और महाशक्तियों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है और इससे बचने के लिए दुनिया भर की सरकारों ने अपने यहां लॉकडाउन लागू कर दिया है, कोरोना को रोकने की भरसक कोशिश की है। कोरोना की टेस्टिंग को लेकर भी विश्व को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। ऐसे में इंग्लैंड से राहत भरी खबर आ रही है, अब मात्र 20 मिनट में कोरोना संक्रमण की जांच हो पाएगी और संक्रमित व्यक्ति का इलाज शुरू करके उसे आइसोलेशन में भी रखा जा सकता है। इसके बाद अगली बड़ी खबर आ रही है, फिर उड़ान भरेगा देश। एयर इंडिया समेत अन्य कंपनियों ने शुरू की टिकटों की बुकिंग। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने 25 मई से घरेलू उड़ानों का परिचालन बहाल करने का फैसला किया है और इसके मद्देनजर एयरलाइन कंपनियों ने टिकट बुकिंग की सुविधा को शुरू कर दिया है। देश में हवाई सेवाएं 2 महीने के बाद ही शुरू
शुरू होंगी। एयर इंडिया ने शुक्रवार को ट्वीट किया है और कहा है कि हमारी सेवा के लिए टिकट बुकिंग शुरू हो चुकी है। कंपनी की ओर से इसके लिए वेबसाइट की जानकारी दी गई है और साथ ही कहा गया है कि कस्टमर केयर पर बात भी की जा सकती है और शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे टिकटों की बुकिंग शुरू हो जाएंगी। तो दोस्तों ये थी आज सुबह की सभी बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और इसी तरह की डेली न्यूज अपडेट पाने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।